विष्णु प्रताप सिंह, जनसेवक, विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र। आप हमें बताएं, शहीद भगत सिंह के जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? शहीद भगत सिंह जी के जीवन से ये प्रेरणा मिलती है कि जो शहीद भगत सिंह जी ने कभी भी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया, कभी भी किसी के आगे झुके नहीं। जब वहाँ पर अंग्रेज़ों ने, उस टाइम की जब हम लोग तो हुए भी नहीं थे, उस टाइम अंग्रेज़ों ने उस टाइम उनसे ये भी कहा था कि आप लिखित में पत्र दे दो कि आपने ये किया है और आप माफ़ी मांग लो, तो भी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने तीनों ने मना कर दिया और तीनों ने फांसी की सज़ा को एक्सेप्ट किया। तो मतलब ये चीज़ जो युवाओं में है, आज युवा इस चीज़ को लेकर प्रेरित हैं कि हम भगत सिंह जी का साल में एक बार शहीद दिवस आता है। उस टाइम हम लोग जब, ठीक है चलो भगत सिंह जी उस टाइम नहीं झुके हैं, तो आज युवा क्यों झुके किसी के आगे? युवा प्रतिदिन प्रत्येक समस्याओं से लड़ता है, उसके बावजूद भी युवा कितना संघर्ष करते हुए आगे बढ़ता रहता है, तो ये भगत सिंह जी की प्रेरणा है। ऐसी कौन सी तीन बातें हैं जो आप भगत सिंह के जी की, जो आप अपने जीवन में उतारना चाहते हैं? भगत सिंह जी की तीन बातें यही है कि भगत सिंह जी का एक तो स्वाभिमान अच्छा था, भगत सिंह जी किसी के सामने झुके नहीं थे, यदि आप गलत हो तो आप माफ़ी मांगो, नहीं अदरवाइज किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। और तीसरी बात ये थी भगत सिंह जी की, भगत सिंह जी ने अपने देश से बहुत प्रेम किया था, देश के प्रेम के कारण उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया था, तो वो सबसे बड़ी बात थी। आजकल के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं शहीद भगत सिंह जी के? आजकल के युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि शहीद भगत सिंह जी को भूलो मत, शहीद भगत सिंह जी हमारे आइडल हैं। जिन, मैं सुबह शाम तक, आप लोग फेसबुक, फोन बुक, इन पे सब में लगे रहते हो, भगत सिंह जी को भगत सिंह जी के टाइम पे, उनके शहीद दिवस पे याद करो। जो हमारे शहीद हैं, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है, उन लोगों को भी मिस मत करो, उनको भी याद करो। मैं ये क्या आपको लगता है जो शहीद भगत सिंह जी को मान सम्मान मिलना चाहिए था वो मिला या नहीं मिला? भगत सिंह जी को जो मान सम्मान मिलना चाहिए था वो आज तक नहीं मिला है। भगत सिंह जी का जो घर है वो आज भी कोई मरम्मत नहीं है, वो भी आज भी टूटा हुआ है, आज वो पाकिस्तान में घर है उनका, पर आज भी भगत सिंह जी को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो आज तक नहीं मिला है। तो आपको क्या लगता है केंद्र सरकार को कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए जो उनका जो आज भी मरम्मत करवाना है, ये सब कुछ पाकिस्तान सरकार से वार्तालाप करके कुछ ऐसा करना चाहिए वहाँ पे उनको? मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब पाकिस्तान इंडिया से चीनी मांगता है, गन्ना मांगता है, और तब आराम से पानी मांगता है, देता है इंडिया, ठीक है, हम लोग दया करते हैं, हम लोग दया के अकॉर्डिंग दे देते हैं पाकिस्तान को, लेकिन आप पाकिस्तान को एक पत्र लिख के ये तो कह सकते हो कि जहाँ भगत सिंह जी का है वहाँ पर उसको शहीद स्मारक बनाया जाए, या उसको आप म्यूजियम या संग्रहालय घोषित किया जाए, वहाँ पर उनके हिसाब से वो बनाना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को।